तो आज हम बनाने वाले हैं एक लाजवाब सा चटपटा टी टाइम स्नैक, जो आपको तो पसंद आएगा ही और आपके साथ बच्चों को भी पसंद आएगा। तो ये है हमारे दाल चावल के कुरकुरे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने कुरकुरे बने हैं। हेलो माय डियर स्मार्ट शेफ्स, कैसे हैं आप आज? तो आज हम इतनी लाजवाब स्नैक आइटम को घर पे बनाने वाले हैं कि आप कभी भी बाहर के कुरकुरे या चिप्स नहीं खरीदेंगे। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये खाने में तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगते हैं। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए, जैसे कि आपने देखा, हमने कुकर में डाल दिया है एक कटोरी चावल और एक कटोरी धुली हुई मूँग की दाल। तो अब हम इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से 3 बार साफ पीने के पानी से धो लेंगे। तो यहाँ पे हमारे दाल और चावल अच्छे से धुल करके तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो हमने यहाँ पे 2 कटोरी मटेरियल लिया है, मतलब 1 कटोरी चावल और 1 कटोरी मूंग की दाल ली है। तो 2 कटोरी मटेरियल के लिए हम इसमें डालेंगे 8 कटोरी पानी। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 चुटकी हींग और करीबन 1 टेबलस्पून ऑयल। यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे 5 सीटी दे देंगे। 5 सीटी आने के बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और कुकर को अपने आप ठंडा होने देंगे। कुकर ठंडा हो चुका है और इधर हमारे दाल और चावल अच्छे से पक कर के तैयार हो गए हैं, अच्छे से गल चुके हैं। तो अब हम एक चम्मच या वायर विस्क की मदद से इसको इस तरीके से फेंटेंगे ताकि ये एकदम से घुट जाए। हमारा जो मिक्सचर है वो एकदम स्मूथ नहीं होगा, ये हल्का दानेदार रहेगा। इसको घोटने के लिए आप एक ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्सी में इसको ग्राइंड मत करिएगा क्योंकि ये अभी बहुत गर्म गर्म है और गर्म चीज़ को मिक्सी में ग्राइंड नहीं करते हैं, और ठंडा होने पे तो ये सेट ही होने लग जाता है। तो आप इसी तरीके से चम्मच या वायर विस्क से इसको घोट सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से घुट गया है, मतलब ये अच्छा दानेदार हो गया है। तो अब हम इसको साइड में रख देते हैं और एक कोन बना लेते हैं। तो ये कुरकुरे बनाने के लिए आप किसी कोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीके के पाइपिंग बैग का, या फिर दूध की जो थैली आती है उसको अच्छे से साफ़ करके भी ले सकते हैं, या फिर चकली मेकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस फिलिंग को अब एक पाइपिंग बैग में डाल देंगे और फिर आगे से एक छोटा सा कट लगा लेंगे। इस समय हमारी जो फिलिंग है वो काफ़ी गर्म होती है, तो इसको पकड़ने के लिए आप किसी कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इनको इस तरीके से बड़ी बड़ी थालियों में भी पाइप आउट कर सकते हैं। आप इनको इस तरीके का लंबा लंबा भी बना सकते हैं या फिर चकली की शेप भी दे सकते हैं। तो अगर आप थालियों में पाइप आउट करने वाले हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी उसको हल्का सा तेल से ग्रीस कर ले ताकि इनको निकालने में आसानी हो। यहाँ पे मेरे पास एक बड़ी सी पॉलीथिन थी तो मैंने इनको डायरेक्टली इस पॉलीथिन पे ही पाइप आउट कर लिया था। इन कुरकुरों को पाइप आउट करने के बाद आप इनको धूप में भी सुखा सकते हैं या फिर पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। अगर आप इनको प्लास्टिक कवर पे पाइप आउट करने वाले हैं तो आपको प्लास्टिक के ऊपर ऑयल लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इन कुरकुरों को 6 घंटे हो चुके हैं सूखते हुए, तो आप देख सकते हैं ये अच्छे खासे सूख चुके हैं, मगर अभी भी ये पूरी तरीके से नहीं सूखे हैं। तो अब मैं इनको एक बड़ी सी प्लेट में निकाल लूँगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलीथिन के ऊपर से ये बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। प्लेट के ऊपर भी अगर आप अच्छे से ग्रीस कर लेंगे तो ये कुरकुरे बहुत ही आसानी से निकल आते हैं। अब हम इनको इसी तरीके से प्लेट के ऊपर रख करके 1-2 दिन बालकनी में सुखा देंगे। अगर आपकी बालकनी में धूप नहीं आती है तो कोई बात नहीं है, आप पंखे के नीचे इनको सुखा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे से सूख जाते हैं। इनको अच्छे से सुखाने के बाद आप बहुत ही मज़े से इनको 1 साल तक एक एयर टाइट कंटेनर में रख कर स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे आलू के चिप्स को करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुरकुरों को अच्छे से सुखा लिया है और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्टली ड्राइड हैं। तो अब मैं आपको इनको फ्राई भी करके दिखा देती हूँ। तो इन्हें फ्राई करने के लिए कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ले लें और उसको अच्छा गर्म कर लें, मतलब धुआं निकलता गर्म नहीं होना चाहिए, अच्छा गर्म होना चाहिए। अब बस जैसे किसी पापड़ को सेकते हैं बस उसी तरीके से हम इन कुरकुरों को अच्छा करारा होने तक सेक लेंगे।
जब ये अच्छे से फूल जाएंगे और उनका रंग चेंज हो जाएगा, तब हम इनको कढ़ाई में से निकाल करके एक टिश्यू पेपर के ऊपर रख देंगे। तो लीजिए, हमारे करारे कुरकुरे बन करके तैयार हो गए हैं। इनको फ्राई करने के बाद आप बहुत ही आराम से इनको एक एयरटाइट कंटेनर में रख कर एक हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं। इन कुरकुरों को और भी चटपटा बनाने के लिए हम इसके ऊपर से छिड़क देंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। और यहाँ पे मैं आपको एक कुरकुरा तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना लाजवाब और कितना क्रिस्पी बनाया हमारा कुरकुरा। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये लाजवाब सी सुपर हेल्दी कुरकुरे की रेसिपी पसंद आई होगी। अभी के लिए विदा लेते हैं, फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए घर का खाएं, अच्छा खाएं, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय।